लीडिंग का मतलब होता है किसी चीज को जीना, संपूर्णता के साथ जीना। जबकि बाकी मामलों में हम किसी काम को करते तो है लेकिन जीते नहीं है। हमारा दिल कहीं होता है, होश कहीं और होता है, लेकिन जब हम किसी चीज को भोगते हैं, पूरी तरह भीग जाते हैं, तो उसे लीविंग कहते हैं। अब लीविंग रिलेशनशिप के व्यवहारिक भाग को समझ लेते हैं। लीविंग रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप अपना रिश्ता शुरू करने से पहले रिश्ते की आखिरी दिन तय कर लेते हैं, यानी अपने रिलेशन की डेडलाइन तय कर लेते हैं। लीविंग रिलेशनशिप इस सूत्र पर काम करता है कि किसी चीज का मजा बढ़ाना चाहते हो, किसी चीज को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहते हो, तो उस चीज की डेडलाइन तय कर दो, खुद को चैलेंज दो, मैं 3 घंटे के अंदर ये काम करके दिखाऊंगा, फिर देखना वो 3 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 3 घंटे होंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं लिव इन रिलेशनशिप के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप के प्रोग्राम के कुछ शर्तें होती हैं, ध्यान से सुनो। लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ 21 दिनों का होता है, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। 21 दिनों के बाद आप चाहे या ना चाहे आपको अपना रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। 21 दिनों के बाद आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास से ऐसे गुजर जाना होगा जैसे आप कभी मिले ही ना हो। बस ये 21 दिन तुम्हें पूरी तरह से प्यार सिखा देंगे। जब तुम्हें पता होगा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ 21 दिनों का है, 21 दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो तुम 21 दिनों के एक एक पल को पूरी तरह से एंजॉय करोगे, उस रिश्ते को पूरी तरह से संपूर्णता के साथ जियोगे। इसे कहते हैं लीव इन रिलेशन, यानी संबंध में जीना, न फ्यूचर पास्ट की चिंता किए पूरी तरह से रिश्ते में डूबे रहना। तुम्हें पता है हम 21 दिनों के बाद बिछड़ जाएंगे, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हम एक दूसरे को देख भी ना पाएंगे, तो इन 21 दिनों में तुम एक दूसरे को चूस लेना चाहोगे, एक एक सांस पी जाना चाहोगे अपने साथी को। एक दूसरे को खो देने का डर ही असल में प्यार का कारण होता है। भरे दिन प्लीज कहा गोसाई, जब तुम एक दूसरे को गले लगाओगे तो देखना कैसा सूख जाना शुरू होगा। याद रखना, जिस रिश्ते की डेडलाइन तय ना हो तो तुम उस रिश्ते को एक दिन भी पूरी तरह से नहीं जीते। किसी भी रिश्ते को इंजॉय करना चाहते हो तो सारी जिंदगी साथ रहने के ना सोचो, ना जन्मदिनों की कसमें खाओ। नहीं, लिव इन रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंचना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत भारत से ही हुई थी। कोई 1000 साल पहले चार्वाक नाम का धर्म आया था। चार्वाक सभ्यता आज के अमेरिका से 107 साल आगे चल रही थी। तो दुनिया को लिव इन रिलेशनशिप सिखाने वाले हम ही हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक बड़ी ही बेहतरीन चीज है। हर इंसान को जीवन में 1 या 2 बार लिव इन में रहना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको एक जबरदस्त मैच्योरिटी आ जाती है। आप भूत और भविष्य की चिंता छोड़ दिन में जीने लगते हैं, क्योंकि लिव इन 21 दिनों का होता है, इसलिए आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं बना सकते। आप जिसके साथ लिव इन में रहते हो वो आपका कुछ नहीं लगता और ना लगेगा, इसलिए आप उसके पुराने लाइफ के बारे में कुछ पूछने की कोशिश नहीं करोगे। जो आपके सामने है वही आपके लिए सब कुछ है, वही आपका जीवन है। पहली बार लिव इन में रहने वाले को बुरे एक्सपीरियंस ही मिलते हैं, लेकिन लिव इन तुम्हें जाते जाते जो सिखा देता है वो तुम्हें दुनिया की 1000 किताब पढ़ने के बाद भी सीखने को नहीं मिलेगा। तुम 1000 शादियां कर लो, 1000 गर्लफ्रेंड बन लो, 1000 बॉयफ्रेंड बन लो, 1000 रिश्ते निभा लो, लेकिन ये 21 दिन तुम्हें जो सिखा देगा वो तुम कभी ना समझ पाओगे। मेरे बताए हुए सूत्रों पर चलना आसान नहीं है, सिर्फ बिरला ही चलता है मेरे पीछे, क्योंकि किसी में कलेजा होता है मेरे शिष्य बनने। मैं कहता हूँ प्यार दुनिया की सबसे मजेदार फीलिंग है, उसे और रसीला बनाओ, और तड़के लगाओ, मिर्च मसाला डालो। तुम रिश्ते में सिक्योरिटी ढूंढते हो और मैं एडवेंचर ढूंढता हूँ।